त्रिपुरा में लेनिन की प्रतिमा को जो क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसके विरोध में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। भाकपा माले का कहना है कि इस प्रकार की घटना काफी अशोभनीय है। लेनिन की प्रतिमा पर जो क्षतिग्रस्त किया गया है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश भर में जो लड़ाई चल रहा है फासीवाद के खिलाफ, आकर के आप एक बैनर के तले होकर के हमें लड़ना होगा। इन जो भाजपा ये है, जो आरएसएस के लोग है, जो देश में लड़ने का कोई इतिहास नहीं रहा है, देश को बदलाव में उनका कोई भूमिका नहीं रहा है, आज देश में देशभक्ति की बात कर रहे हैं। साथियों, हम कहने आए हैं कि लगातार आज देखिए जो मोदी सरकार देश के नौजवानों से, जो मजदूरों से, जो किसानों से बात कही थी, वो किसानों से दावा किया गया, जो छात्रों से वादा किया गया, वो क्या हुआ? मोदी सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है, मोदी सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, लेकिन एक काम जरूर कर रही है, जो लड़ने वाले मजदूर है, जो किसान है, उनके ऊपर हमला करा रही है। हमारी पार्टी का त्रिपुरा के अंदर में ऑफिस है, हमारी पार्टी का प्रतीक है कि मजदूर किसान के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, कहीं भी अन्याय जुल्म होता है उसके खिलाफ लड़ते हैं, और भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ते हैं, और हमारे ऑफिस पर हमला किया गया। तुम्हारे हमले से हम डरने वाले नहीं है, तुम्हें हमला का जवाब हम हमला से देंगे, हम प्रतिरोध से देंगे, आने वाले दिनों में हमको जवाब देंगे। इसलिए साथियों, जो हमारा प्रिय देश भर में लोकतंत्र की लड़ाई चल रहा है, फासीवाद के खिलाफ लड़ाई चल रहा है, शिक्षा और रोजगार की लड़ाई चल रहा है, इस लड़ाई में आप शामिल हुए, आगे आइए, हम आपसे उम्मीद करते हैं, भरोसा करते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपने बात को समाप्त करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लेनिन जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने भारत के अंग्रेजों के खिलाफ करने का काम किया। वो जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे लेनिन, तब उन्होंने भगत सिंह के पार्टी को हथियार बनाने सिखाने का काम किया, और हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ देश के अंदर आजादी के लड़ाई को में समर्थन देने का काम किया, और पूरे देश के, पूरे विश्व के मजदूरों को एक होने का काम उन्होंने किया। कारण ये है कि भाजपा का जो दोहरा चरित्र है, त्रिपुरा के चुनाव के बाद साफ साफ लोगों के सामने आ गया। एक तरफ लोकतंत्र और संविधान के रक्त शपथ खा के लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने, और दूसरी तरफ पूरा पूरी वहाँ कहे कि त्रिपुरा में चुनावी जीत के बाद जो आरएसएस के गुंडे हैं, सामंती ताकते हैं, अपराधी ताकते हैं, कारपोरेट लुटेरे हैं, ये सारे लोगों का गठजोड़ जो है त्रिपुरा में पूरा का पूरा लेनिन के जो कहिए कि एक तरह से गरीबों के आवाज़ के प्रतीक के रूप में था वहाँ, तो वहाँ उसको लोग तोड़े, पूरे गरीबों पर हमला और जितना कम्युनिस्ट का जाल है उस पर ही लोग हमला कर रहे हैं। तो इनका जो चेहरा है, दोगलापन, जो लोकतंत्र और संविधान के प्रति लोग शपथ खाए हैं, ये बिल्कुल ही खोखला है, और ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं। असल में ये लेनिन पर हमला नहीं है, वहाँ के लोगों पर हमला नहीं है, ये बुलडोजर आप यहाँ आप देखिएगा गरीबों के झोपड़ी पर भी चल रहा है आराम, तमाम फुटपाथी दुकानदारों पर भी चल रहा है, ये बुलडोजर उस मूर्ति पर नहीं, बल्कि बिहार में, देश में पूरे जो गरीबों का रोजी रोटी के सवाल पर आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन पर बुलडोजर है। और जिस तरह से भाजपा के जो नेता सुब्रमण्यम स्वामी और ये आपको महासचिव राम माधव, जिस तरह से उन दंगाइयों के पक्ष में बयान देने का काम किया कि भाई वो लेनिन जो थे वो विदेशी आतंकवादी थे, इसलिए उनका मूर्ति का तोड़ा जाना सही है। हम कह रहे कि वो विदेशी आतंकवादी थे कि देशी आतंकवादी थे, आपकी सरकार वहाँ बनी है, आप सरकार बनाते और कानून बना के आप मूर्ति तोड़वा देते, आपका सरकार बन जाता, आप कानून बना देते, गरीबों के जितने ऑफिस है CPM CPI के आप ऑफिस ढहवा देते, कानून के जरिए आप करवा सकते थे इस काम को, आपने लेकिन कानून की धज्जी उड़ा दी, आपने संविधान की धज्जी उड़ा दी। और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये देश का प्रधानमंत्री जो जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इन तमाम घटनाओं पर, जैसे बाकी तमाम जो देश में घटनाएं घट रही है,
उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, इस मामले में भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसलिए हम लोग आज पूरे देश में विरोध कर रहे हैं कि आप मुंह खोलिए। अगर आपको यही करना है तो आप संविधान और लोकतंत्र को हटाइए, देश से खत्म करिए। पुतला धन किसे कर रहे हैं आप? पुतला धन किसे कर रहे हैं? पुतला धन प्रधानमंत्री का हम लोग करेंगे, और किसका करेंगे? उनके देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उनके देश में न्याय का गला घोटा जा रहा है, उनके देश में संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, पुतला किसका फूकेंगे? और वो देश का प्रधानमंत्री चुप है। जो आदमी कह रहा है कि हम कानून का राज चला रहे हैं, संविधान के तहत देश चल रहा है, उसके देश में कहाँ है संविधान? इन दंगाइयों के खिलाफ जो तमाम तरह से रोज हत्या कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, कहीं कहीं अम्बेडकर की मूर्ति गिरा रहे हैं, कहीं पेरियार की मूर्ति तोड़ रहे हैं, कहीं लेनिन की मूर्ति तोड़ रहे हैं, कहीं सीपीआईएमएल के कम्युनिस्ट के कार्यालय पर हमला कर रहे हैं, गरीबों की बस्तियां जला रहे हैं, और कहाँ है आपका कानून? कहाँ है पुलिस? और वहाँ की सरकार बोल रही है, पुलिस कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस लोकतंत्र का जो गला घोटा जा रहा है, इस गला के घोटने वाले जो हत्यारे हैं नरेंद्र मोदी, हम लोग उनका आज पुतला दहन कर रहे हैं। नाम बताइए। नाम जवाहरलाल सिंह, जिला सचिव भाजपा।